नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया अश्पलिया। देश टीवी के बुलेटिन प्रतिदिन समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने किया नवाचार सम्मेलन का शुभारंभ, कहा नवाचार के बच्चों में है अपार संभावनाएं। संसदीय सचिव मामले की याचिका हुई खारिज, सीएम ने खुशी तो कांग्रेस ने जताई नाराजगी। हड़ताली आंगनबाड़ी कर्मियों ने मांगी भीख, सरकार के सामने झुकने से किया इनकार। और प्रदेश में होगी 35,000 योग शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम में शामिल होगा योग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पहले स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर 36 इंक का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य में एक नए दौर की शुरुआत हो गई। इस केंद्र के माध्यम से युवा स्टार्टअप उद्यमियों को अपने नवाचारों और विचारों को लाभदायक व्यापार के रूप में विकसित करने का बेहतर मौका मिलेगा। युवाओं के नवाचारों से छत्तीसगढ़ और देश को नई दिशा मिलेगी। छोटी छोटी चीजें दुनिया बदल सकती हैं, नया भविष्य गढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चों में उस बदलाव की अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। ये बातें शुक्रवार को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वाणिज्य और उद्योग विभाग के नवाचार सम्मेलन में की। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग विभाग नवाचार के माध्यम से यंग टैलेंट्स की सोच और सुझाव को आगे लाने का ये प्रयास किया गया, जिसमें अलग अलग सेक्टर में दिलचस्पी रखने वाले युवा अपनी सोच के जरिए बदलाव और नई क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। नवाचार कार्यक्रम के दौरान उस नवाचार को बढ़ते छत्तीसगढ़ का मजबूत आधार बताया गया। छत्तीसगढ़ में विकास के बढ़ते कदम को अगर नई सोच का साथ मिला तो छत्तीसगढ़ में और भी तेजी के साथ बेहतर विकास हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नवाचार के जरिए बदलाव की बयार लाने वाले बच्चों की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नवाचार और नई सोच न केवल प्रदेश बल्कि देश को नई दिशा दे सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नवाचार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे बच्चे कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई एजुकेशन, हेल्थ और जैविक खेती पर काम कर रहा है। बस्तर में अगर नक्सली समस्या है तो उससे निपटने के लिए कैसे काम किया जा सकता है, कैसे मॉनिटरिंग बढ़ाई जा सकती है, ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, बिना आवाज के कैसे ड्रोन जंगल के बीच जा सकता है, इन सब पर काम होता है तो एक बड़ा फर्क आएगा। छत्तीसगढ़ में आज उसकी एक बड़े स्केल में शुरुआत हो गई है। अब हमारे बच्चे देश के लिए, दुनिया के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इस जगह का, इस प्लेटफॉर्म का जो 40,000 स्क्वायर फीट है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। पूरे तरीके से वो इसमें बैठकर अपनी नई योजनाएं, नए इनोवेशन, नए विचार और नए प्रोडक्ट के बारे में, नए प्रोजेक्ट के बारे में खुल के बात काम करेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श लेंगे। उनके मन, उनके लिए जो गाइडेंस के लिए जो बड़ी टीम यहाँ पे मौजूद है जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई दूंगा एलेक्स को और पूरी टीम को, नीति आयोग को, जिनके मदद से एक बड़ा सेंटर की शुरुआत हुई है और ये छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य की सफलता की कहानी लिखेगा। अमर जी को मैं बधाई देता हूँ और इस विभाग के जुड़े हुए सारे अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी सहित अमन सिंह और सबको बधाई दूंगा। ये एक प्रयोग जिसका सपना हमने बेंगलोर में जाके देखा था, आज वो छत्तीसगढ़ में धरातल पर उतर रहा है। ये छत्तीसगढ़ के युवकों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, मैं उनको बधाई दूंगा। रायपुर में आयोजित हुए नवाचार कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में नई सोच के साथ काम करने वाले कई बच्चे शामिल हुए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी सोच और शुरुआत से न केवल बदलाव लाया है बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बदलाव की भी नई शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। अम्बेडकर जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिलों में समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा ने राजधानी में समरसता भोज का आयोजन किया, जहां सभी वर्गों के लोगों को भोज कराया गया ताकि भाईचारा बना रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुक्रवार को समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। केनाल रोड में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया, जहाँ सभी समाज के लोग इसमें शामिल हुए। सभी ने मिलकर आपस में भोजन किया, साथ ही भाईचारे का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में मंत्री, नेता भी शामिल हुए जिन्होंने भी भोज किया। भाजपा युवा मोर्चा की माने तो समरसता भोज का उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों को एक साथ एक भोज पर बुलाना और बिना भेदभाव के भोजन कराना है, जिससे कि एकता की सूचना सभी के मन में जा सके। हम लोगों ने सामाजिक समरसता के सद्भाव, की आपसी समानता का भाव है और एसटी एससी वर्ग के हमारे भाइयों को यहाँ पे बैठा के
भोजन समरसता भोज का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर जिले द्वारा यहाँ पे किया गया है और एक समाज को संदेश देंगे कि हम सब समानता के भाव के साथ, माननीय मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम उसी समानता के भाव के साथ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से हम वही महत्व देते वही सम्मान देते हैं और जो हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास करें उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में समरसता सद्भाव हमेशा बरकरार रहे, आपसी भाईचारा और सद्भावना के साथ हम सब आगे बढ़े, यही संदेश देना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों आरक्षण को लेकर बेहद विवाद हुआ, इसका कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन भी किया, लेकिन आरक्षण को लेकर बंद करने के दौरान हुए हादसे से कई राजनीतिक पार्टियां नाराज भी हुई। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि आपसी समरसता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। संसदीय सचिव मामले में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, इस पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट का सम्मान किया, वहीं कांग्रेस इस फैसले से नाखुश है। संसदीय सचिव मामले को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा याचिका खारिज करने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि संसदीय सचिवों पर फैसला हमारी उम्मीदों के अनुरूप आया है, हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह तो होना ही था, पहले ही साफ किया जा चुका था कि संसदीय सचिवों के मामले में कोई गलत काम नहीं हुआ है। हाँ, वो तो होना ही था, लोगों के पास कोई काम नहीं है, इधर उधर घूमते हैं। न्यायालय ने जो न्याय दिया है, न्याय हमेशा मिलता है और न्याय मिला छत्तीसगढ़ के लोगों को। इस मामले में याचिका खारिज होने के बाद प्रदेश कांग्रेस में मायूसी छा गई है। इस फैसले पर नाखुश होते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार अवैधानिक है, सरकार ने संविधान के विपरीत 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है, उन्हें मंत्री की तरह सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 13 मंत्रियों के अलावा गैर कानूनी रूप से सरकार ने 11 अतिरिक्त मंत्री रखे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने संसदीय सचिवों की सदस्यता खारिज करने की हमारी याचिका नहीं मानी, लेकिन संसदीय सचिवों के मंत्री के रूप में आगे काम करने पर रोक लगाई है। मंत्री का तात्पर्य मंत्री परिषद के किसी सदस्य, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव से है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में 24 मंत्री काम कर रहे हैं, इसलिए ये सरकार अवैधानिक है। हम इस सरकार की वैधानिकता को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, जो कि विधानसभा की कार्य प्रक्रिया नियम के अनुसार भी मंत्री हैं। हाईकोर्ट ने भी माना है कि अभी तक ये मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और इसलिए रमन सरकार की वैधानिकता नहीं है। अगर जरा भी नैतिकता हो रमन सिंह में तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस फैसले के बाद, इन नियमों के उजागर होने के बाद त्यागपत्र दे देना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस ने याचिका लगाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे जहां भाजपा में खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। आखिरकार कांग्रेस ने आरके राय और सियाराम कौशिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, दोनों ही विधायकों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। इसका फैसला अनुशासन समिति की बैठक में लिया गया। विधायक आरके राय और सियाराम कौशिक को आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन दोनों विधायकों के निष्कासन का फैसला पार्टी के अनुशासन समिति द्वारा लिया गया। उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए दिल्ली रिपोर्ट भेज दी गई है। राजनीतिक हलचलों में कांग्रेस के ये दोनों विधायक पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के करीबी माने जाते रहे हैं। जोगी ने जब अपनी नई पार्टी की घोषणा की तो ये दोनों विधायक उनके साथ हो गए। कौशिक और राय पर समय समय पर कांग्रेस पार्टी की नीतियों के विपरीत काम करने का भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब राय और कौशिक को निलंबित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अनुशासन समिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष बोधराम कंवर, हेमंती शर्मा, रामपुकार सिंह और बीडी कुरैशी ने इस पर अंतिम फैसला ले लिया है। कांग्रेस के निलंबित विधायक सियाराम कौशिक और आर के राय को पार्टी ने जो कारण बताओ नोटिस दिया था उसका जवाब मिल गया है। उनके जवाब पर प्रक्रिया जारी है, कोई निर्णय लेने पर सूचित किया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के इन दोनों विधायकों को लेकर काफी चर्चा होती रही है। कांग्रेस में रहकर भी दोनों विधायक पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के करीबी माने जाते हैं। इसके पहले कांग्रेस विधायक अमित जोगी को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। उसके बाद अब इन दोनों विधायकों आर के राय और सियाराम कौशिक को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी।